पर्यटन नगरी डलहौजी में बीते दिन हुए बारिश और बर्फबारी से तीसा के कई इलाकों में भूस्खलन हो रहा है। भूस्खलन के चलते तीसा के गांव खुश नगरी के दो घरों के नीचे से जमीन सरक गई है, जिससे घरों में दरारें आ गई हैं। भूस्खलन के कारण दो परिवारों ने घरों को खाली कर दिया है और रिश्तेदारों के घर रहने को वे मजबूर हो गए हैं। इन दो घरों के लोग रात को सो नहीं पा रहे, क्योंकि घरों को काफी नुकसान हुआ है और घर गिरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। अभी तक इन घरों की सूद लेने के लिए प्रशासन की ओर से कोई भी कर्मचारी अधिकारी नहीं पहुंचा। घरों में रहने वाले बड़ों के साथ बच्चे भी परेशान हो गए हैं और सरकार और प्रशासन से गुजारिश कर रहे हैं कि इनके घरों को बचा लिया जाए। दूसरी ओर इन घरों के मालिकों का भी रो रोकर बुरा हाल है, क्योंकि पहली बार अपनी आंखों के सामने वे अपने घर को गिरता हुआ देख रहे हैं। ये लोग सरकार और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इनके घर को बचा लिया जाए, क्योंकि भूस्खलन से इनके घर की दूरी महज कुछ फुट ही रह गई है। हमारे बर्फ होने से और बरखे से स्लाइड हो गया है, मकान को इतना खतरा हो गया है, बच्चे इतने परेशान हैं, रो रहे हैं बच्चे, पूरा परिवार परेशान है। मेरे से ऊपर एक चाचा रहता है, उसको भी इतना खतरा है कि इतना खतरा हो चुका है कि बच्चे पूरे परेशान हैं। हमारे बच्चे और हमारा माल जो दूसरों घर में रह रहा है, सरकार चाहे कोई ना कोई हमें इमदाद की जाए और घर के लिए कोई ना कोई प्रोटेक्शन वर्क लगा दिया जाए, क्योंकि हम अपने घर में बैठ सकें और माल को अपने घर में ला सके। घर को दरारे आ गई है, पूरे घर को खतरा हुआ है। यहाँ पे बहुत दिनों से बारिश हो रही है लगातार, और बारिश की वजह से यहाँ पे भूस्खलन हो गया है। ये हमारे दो घर है, एक भाई का घर नीचे और हमारे घर को बहुत ज्यादा खतरा हो गया है। हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं, यहाँ से निकल गए हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं। इसलिए सरकार से गुहार है हमारी कि यहाँ पे आके जब मौसम ठीक हो जाएगा तो प्रोडक्शन वर्क का काम दिया हमारे लिए, और घर की चारों तरफ हमारे जो भी खतरा हो ठीक तरह से काम किया। इस खबर पर तीसा के SDM संजय कुमार धीमान का कहना है कि पूरी जांच करवाई जा रही है और स्थानीय पंचायत से भी संपर्क किया गया है। जो भी नुकसान भूस्खलन से हो रहा है या भविष्य में हो सकता है, उसे बचा लिया जाएगा ताकि जान और माल को सुरक्षित किया जा सके। इसमें पहले उसकी जांच करेंगे कि कहां ये हो रहा है, और अगर ये पंचायत क्षेत्र में है तो फिर पंचायत को उनसे आग्रह करेंगे, पंचायत वालों से, कि वो अपने ग्राम सभा में मनरेगा इत्यादि किसी हेड में इस कार्य को डाले ताकि इस कार्य को किया जा सके। और जो भूस्खलन लगातार हो रहा है उस क्षेत्र में और उसमें जान माल का नुकसान भी हो सकता है, तो उनको रोका जा सके। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट।